आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं ये वेटनेरियंस के लिए और वैसे कुत्ता पालकों के लिए ये बना रहा हूँ, टॉक्सोकेरा कैनिस डॉग के राउंड वर्म। तो इसमें राउंड वर्म, इसके मैं सिम्टम्स बताऊंगा, इसके होस्ट बताऊंगा और इसके इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसका डेफिनेट होस्ट तो डॉग है टॉक्सोकेरा कैनिस का, और इसका इमीडिएट होस्ट जो है ह्यूमन बींग भी है। तो देखिए, इसके मैं ये बता रहा हूँ सिम्टम्स इन डॉग। मतलब एक तो इसमें खून की टट्टी आती है, दूसरी एनीमिया हो जाता है, पुअर ग्रोथ होती है और पॉट बैली, मतलब पॉट बैली हो जाती है और डेथ भी होती है कुत्तों की। तो ये तो कुत्तों में हो गया, और ह्यूमन आदमियों में ये होता है लिवर नेक्रोसिस होती है, लिवर लंग में कॉफ और निमोनिया होता है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस होती है, और सीजर में मतलब उनको मतलब नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो ये बड़ा खतरनाक है, अगर आपके कुत्ते को ये हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत पड़ जाती है। और इसके जो है वो आँख में भी चले जाते हैं इसके लार्वा, और स्क्विंट भी करते हैं आँख में, मतलब बैनापन आ जाएगा और ये जो है डिक्रीज भी हो जाएगी, ल्यूकेरिया होता है इसमें। तो ये मतलब इसके बहुत ही राउंड वर्म्स के काफी रिपरकशन है, यहाँ तक इसका चक्र का है। तो देखिए, ये कुत्ते से बिल्ली में आता है, कुत्ते से बिल्ली में आ जाता है, फिर ये कुत्तों के बच्चों में भी आ जाता है, अगर माँ को है तो बच्चों में भी आ जाएगा, फिर ये जो है इनकी टट्टी में से निकलता है, मतलब इसके शिट में से, और फिर जैसे आप वहाँ जाएंगे चंडीगढ़ या बॉम्बे वगैरह तो कुत्ते की टट्टी आपको उठा के फेंकनी पड़ेगी। तो ये फिर इसकी एग की स्टेज होती है, फिर ये एग जो है ये ह्यूमन में चले जाते हैं, उनके पैर में से होते हुए सर्कुलेशन में होते हुए मुँह में आके कभी कभी मुँह में भी निकलते हैं, रेबिट में भी चले जाते हैं, और डक्स पालते हैं उसमें भी चले जाते हैं, और फिर ये यहाँ से रैबिट से और डक से ये जो है फिर इसके ये इंटरमीडिएट होस्ट से ये फिर डॉग में चले जाते हैं। तो ये बड़ी बुरी साइकिल है, ये जितनी भी आपके जो विसल में के विश्वास है जो है वो माइग्रेट करते हैं, ये मतलब लिवर में भी करते हैं, लंग्स में भी करते हैं, हार्ट में भी करते हैं, नर्वस सिस्टम में भी चले जाते हैं, और आंख में भी चले जाते हैं, और ये जो है ल्यूकोकॉर्डिया भी करते हैं, मतलब व्हाइट प्यूपल हो जाता है, कैट आइस प्यूपल मतलब ल्यूकेरिया। तो ये काफी वो है, इसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप कुत्ता रख रहे हैं और अगर रैबिट रख रहे हैं, बतख रख रहे हैं, बिल्ली रख रहे हैं, तो आप उसे सावधान रहिए, ये पैरों में ऐसे चले जाते हैं जो लोग नंगे पैर रहते हैं। इसके लिए ये मेडिसन है फिनाजोले पैट। तो फिनाजोले पैट जो है ये आप इसको दीजिए, फिनाजोले पैट में जो है प्राधि क्विंटल होता है, एक तो 25 mg 10 kg के लिए ये, और पेरेंटल पामेट होता है 144 mg होता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि डॉग में ये जो इसकी फेमंडाजोल की डोज है वो एनिमल में काऊ में तो 5 mg होती है, इसमें 50 mg होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसका मतलब यही है कि आप अपने कुत्ते को जो है, आपका कुत्ता बाहर जाता है तो उसमें जो है आप इसको कुत्ते को एक गोली 10 kg पे दीजिए। ज़्यादातर सेशन वगैरह 20-30 kg के होते हैं, छोटे डॉग में जैसे हो मतलब 1 tablet per 10 kg। तो फिर आप लिवर नेक्रोसिस जो ह्यूमन में जूनोटिक डिजीज है, लिवर नेक्रोसिस करेगा भाई, ये वहां से जाके फिर माइग्रेट करते हैं, पहले ये पैर से घुसते हैं, माइग्रेट करते हैं, ये फिर लिवर लंग्स हार्ट और नर्वस सिस्टम में जाते हैं। सचेत रहिए, कुत्ता पालना तो बहुत अच्छी बात है पर उसका डिवर्म कराना जरूरी है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये टॉक्सोकेरा कैनिस जो है डॉग का राउंड वर्म, ये बहुत खतरनाक है, इसका ये दे रखा है यहाँ पे, और इसका जीवन चक्र ये है, ये बतख से और खरगोश से, बिल्ली से, ह्यूमन बींग से सबसे आ जाता है। तो ये जूनोटिक डिजीज है, मतलब तो इससे सावधान रहिए। ये देखिए हुकवर्म का मैं बता रहा हूँ, ये खून चूस लेते हैं, ये एंक्लोस्टोमा कहते हैं। तो एंक्लोस्टोमा ये इसके फिगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आंत में चिपक के और सारा खून खोद देता है। ये इसका होस्ट जो है वो डॉग है, और ये ह्यूमन में भी आ जाता है। तो ये एनीमिया करेंगे, लॉस ऑफ वेट करते हैं डॉग में, खून की टट्टी होगी उनको, और ह्यूमन में ये जो है
स्किन में चले आते हैं, ह्यूमन में स्किन में चले आएंगे और फिर वहाँ पे चर्चर की साउंड करते हैं, तो स्किन में ये साउंड करेंगे और इसमें ब्लडी डायरिया ह्यूमन में भी होता है। इसकी जहाँ तक लाइफ स्टाइल का सवाल है, ये जो है इसके जो है अंडे, इसके लार्वा जो है वो बच्चों में भी चले जाते हैं और फिर वहाँ पे ब्लडी डायरिया करेंगे और ये चूहे में और इसमें छपकली में भी चले जाते हैं, उससे फिर आते हैं और ये इसके लार्वा जो है ये फिर इसमें जो है कुत्ते में वापस चले। तो अब अपने पशु को अपने कुत्ते को डीवर्म करके रखिए। देखिए ये है फिनरोली, फिनरोली है पेट के लिए, इसमें फिनरोली में ये प्राधि कुंडल है, प्राधि कुंडल है, पेरेंटल पामेट है और फेमिंडाजोल है। डॉग में इसकी जो डोज है फेमिंडाजोल की वो 50 mg होती है, काऊ में 5 mg होती है। तो इसको 10 kg के डॉग को ये एक गोली दे दीजिए आप, तो आप इससे बरी हो जाएंगे। ये बहुत ही घातक रोग है, अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो ऐसे सचेत रहिए। ये कैटल वैटल में तो नहीं जाता है पर कुत्ते से ह्यूमन में आ जाता है और इसके लिए छिपकली और चूहा ये सब जरा बच के रखिए। अगर आपके यहाँ छिपकली और चूहा है तो कुत्ते से ये छिपकली और चूहा में जाएगी और फिर जो है वो मजा है, इसलिए छिपकली और चूहे से बच के रखिए। जहाँ फीड होता है वहाँ छिपकली आई जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खून की टट्टी होने लगती है कुत्ते को तो फिर आदमी के बच्चे को भी होने लगती है और उसमें इसनोफिलिक हो जाता है वो, तो इससे बच के रहिए। इसके लिए फेनरोली पेट, आपके घर के आसपास भी कोई कुत्ते हैं तो उनको ये दवाई दे दीजिए फेनरोली पेट, नहीं तो ये फैलाएगा उसी तरह से आपको काफी पैसा डॉक्टरी में देना पड़ेगा। तो ह्यूमन की डॉक्टरी में वैसे ही आदमी का बजट जो है सब चला जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं खून की टट्टी अगर हो रही है कुत्ते को या आपके बच्चे को, ह्यूमन के बच्चे को, तो उसमें ये डिवर्मिंग जरूरी है। ये कुत्तों का ट्रीनिया बता रहा हूँ, ये एक तो ये बताया था आपको कि फ्ली का टेपवर्म होता है और ये डॉग टेपवर्म होता है, तो मल्टीसेप ट्रीनिया मल्टीसेप। तो इसमें सिम्टम ये होता है कि कुत्ते में तो डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पॉट वैली होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और ह्यूमन में ये मतलब सिस्ट करता है पूरे नर्वस सिस्टम को, मतलब वो कर देता है ब्रेन में भी सिस्ट करेगा और इसमें फिर उसके बाद ये होता है कि वो उसका गेट बदल जाता है ह्यूमन का और वो सर्कलिंग भी करने लगता है ह्यूमन गोल गोल चक्कर में और इम्पेयर्ड विजन, विजन आँख पे भी असर होता है और उसको झटके भी आने लगते हैं, नर्वस कन्वर्जन भी होते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है, अगर नर्वस साइन कोई होते हैं तो ट्रीनिया के लिए आप अपने कुत्ते को वो करिए और अपनी टट्टी को टेस्ट कराइए। इसके लिए भी फेनाजोली है, फेनाजोली टैबलेट्स हैं, ये फेनाजोली दीजिए आप, एक टैबलेट दी जाती है। ऐसे प्राधि कुंडल होता है, पारिनेट पामेट होता है और फेमिंडाजोल होता है, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये इसको जो है आप एक बार दीजिए, फिर 15 दिन बाद दीजिए, फिर 6-6 महीने पे देते रहिए, जो आपके अगल बगल भी कुत्ते रहते हैं उनको भी दीजिए। तो यही मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि और इसमें जो है एक चीज है जो एक और पैरासाइट है जो क्लॉडिलेसिस गाय आर डी एसिस, इसमें भी वेट लॉस होता है, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल डायरिया चलता रहता है, एक्सेस म्यूकस बहुत आता है, वो तो ये ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में इसमें मतलब वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होता है और म्यूकस भरा हुआ ये आता रहता है। तो इन सब में यही है कि आप इन सब के लिए फेनरोली को दीजिए। धन्यवाद आपने सुना, मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979748686 है। मेरी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है, आप कभी भी टेलीफोन करेंगे तो मैं अवश्य जवाब दूंगा। धन्यवाद।